खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीद से संबंधित तैयारियों की मंडलीय समीक्षा बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने निर्देश दिए कि क्रय केंद्रों पर किसानों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उन्हें धान बेचने में किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। किसानों की मदद करना हमारा कर्तव्य है और उनकी उपज का उचित मूल्य समय से उपलब्ध करा दिया जाए। यदि कहीं भी किसानों के हितों की अनदेखी हुई तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीद 15 अक्टूबर से 28 फरवरी तक होगा। मंडलायुक्त ने क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिया कि सभी क्रय केंद्रों पर COVID-19 से बचाव हेतु मास्क, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, साबुन आदि की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। क्रय केंद्रों पर बोरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो तथा माप तौल में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और यदि गड़बड़ी पाई जाए तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। माप तौल में गड़बड़ी दंडनीय अपराध है। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि उपजिलाधिकारी स्तर के अधिकारी क्रय केंद्रों का निरीक्षण अवश्य करें और निरीक्षण के दौरान COVID-19 से बचाव संबंधित चीजों को देखें तथा अभिलेखों का सत्यापन करें। यदि अभिलेखों में गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में राइस मिलरों द्वारा विगत वर्ष के भुगतान न होने की जानकारी देने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि भुगतान के एक समय सीमा निर्धारित करते हुए कर दिया जाए और लंबित बिलों को जनपदवार सूची उपलब्ध कराई जाए। यदि बजट का अभाव हो तो अवगत कराए ताकि उसका निराकरण कराया जा सके, परंतु समय से भुगतान अवश्य हो। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 अक्टूबर तक हर हाल में राइस मिलों के बकाए का भुगतान कर दिया जाए। उन्होंने राइस मिलरों से कहा कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी के साथ पूर्ण करें। कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता एवं पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, मंडल के चारों जनपदों के नोडल अधिकारी, ADM सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, राइस मिलर और किसान मौजूद रहे। सर्वप्रथम है रणनीति के बारे में। हाँ सर, सर्वप्रथम है रणनीति के बारे में संक्षेप में बताऊंगा, उसके पश्चात जो तैयारी की है उसके बारे में बताया जाएगा। FCI के एरिया में कुछ धान का समर्थन मूल्य कामन का 1868 रुपये और ग्रेड ए का 1888 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो विगत वर्ष से 53 रुपये अधिक है। धान क्रय अवधि 15 अक्टूबर से 28 फरवरी 2021 तक निर्धारित की गई है। धान क्रय केंद्र खुलने का समय प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक है, जिसे जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़ करके शेष कार्य दिवसों में धान क्रय केंद्र खुले रहेंगे। इसमें जिलाधिकारी रविवार को छोड़ करके अन्य कार्य दिवसों में भी, छुट्टियों में भी आवश्यकता के अनुरूप क्रय केंद्र खुलवा सकते हैं। इस वर्ष कुल 8 क्रय एजेंसियाँ धान क्रय करेंगी, जिनके द्वारा 442 क्रय केंद्र अभी तक मंडल में अनुमोदित कराए गए हैं। धान क्रय मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत खाद्य विभाग व अन्य क्रय एजेंसियों के साथ साथ निबंधक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश के यहाँ पंजीकृत सहकारी समितियां, केंद्रीय निबंधक सहकारिता, कृषि भवन नई दिल्ली के यहाँ पंजीकृत सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत FPO या PC धान क्रय का कार्य करेंगे। जो पंजीकृत समितियाँ FPO या PC मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छी साख की होंगी, उन्हीं को क्रय केंद्र का बनाया जाएगा। जिनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित है या ब्लैकलिस्ट हैं, विवाद हैं, उनको धान क्रय केंद्र के लिए नामित नहीं कराया जाएगा। पंजीकृत समितियाँ मल्टी स्टेट FPO या PC सीमांत एवं लघु कृषकों से ही धान क्रय करेंगे, जिसके लिए उन्हें भारत सरकार की कार्यशील के अनुरूप सहकारी समितियों के अनुमान्य सोसाइटी कमीशन दे होगा। धान क्रय हेतु जो गुण विनिर्देशिका निर्धारित की गई हैं उसके अनुसार धान में इनऑर्गेनिक फैक्टर 1%, ऑर्गेनिक 1%, डैमेज, डिसकलर, स्प्राउटेड और विविड ये 5% होंगे।
इमेच्योर श्रंकेन श्रीविल्ड ग्रेन्स 3%, एडमिक्सचर लोअर क्लास 6%, मॉइस्चर कंटेंट 17%। ये गुण निर्देशिका निर्धारित है धान हेल्थ जिलाधिकारी नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। मंडल स्तर पर संभागीय खाद नियंत्रक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी को धान क्रय व सीएमआर के भंडारण के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जिले स्तर पर विभिन्न क्रय एजेंसियों के समन्वय हेतु अपर जिलाधिकारी के राजस्व को जिला खरीद अधिकारी नामित किया गया है। अध्यक्षता वाली समिति निर्णय करेगी। खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcf.up.gov.in पर कृषक पंजीकरण अनिवार्य है। जो कृषकों के आधार संख्या में पंजीकरण के समय दर्ज मोबाइल नंबर के OTP के आधार पर होगा, जिसके संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार विभिन्न माध्यमों से कराया जाएगा। समस्त क्रय एजेंसियाँ NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन धान क्रय करेंगी। कृषक की भूमि एवं बोए गए धान के रकबे का सत्यापन राजस्व विभाग की भूलिंग संबंधी वेबसाइट से लिंकेज देकर ऑनलाइन कराया जाएगा। 100 क्विंटल धान क्रय केंद्र पर बेचने वाले कृषक ऑनलाइन सत्यापन से मुक्त रहेंगे, परंतु चकबंदी के अंतर्गत ग्रामों में किसानों का धान उप जिलाधिकारी द्वारा 100% ऑनलाइन सत्यापन के उपरांत ही क्रय किया जाएगा। यदि बिना पंजीकरण के कोई कृषक केंद्र पर धान विक्रय हेतु आता है तो उसे वापस न कर पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए धान क्रय किया जाएगा, जिसका भुगतान 72 घंटे के अंदर उनके बैंक खाते में EFMS के माध्यम से किया जाएगा। ई उपार्जन हेतु आवश्यक आधारभूत व्यवस्थाएं यथा कंप्यूटर लैपटॉप इंटरनेट कनेक्शन आदि संबंधित एजेंसी पंजीकृत समेत मल्टी सेक्टोरल या PO या PC अपने संसाधन से करेंगी, जो ई उपार्जन हेतु संसाधन की आवश्यकता होगी। धान क्रय के साथ साथ धान का प्रेषण, धान की प्राप्ति, CMR का प्रेषण, CMR प्राप्त तथा एक्नॉलेजमेंट, निर्गमन, बिलिंग आदि की प्रक्रिया मिलर मॉड्यूल, डिको मॉड्यूल, बिलिंग मॉड्यूल आदि से ऑनलाइन की जाए। सभी के लिए अलग अलग मॉड्यूल निर्धारित है, उसी से वो सभी ई उपार्जन संबंधी कार्य संपादित किए। धान क्रय की तैयारी है समय सारणी पूर्व से प्रसारित है, उसके अनुसार सारी तैयारी की जाएगी। धान क्रय के निमित्त राजस्व गांव को क्रय केंद्र से संबद्ध किया जाएगा, परंतु मंडी यार्ड में स्थित क्रय केंद्र उक्त संबद्धीकरण से मुक्त रहेंगे। ग्रामों के संबद्धीकरण का कार्य जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा जिला खरीद अधिकारी के अनुमोदन से किया जाएगा। यदि किसानों के उक्त संबद्धीकरण के कारण धान विक्रय करने में कोई असुविधा हो रही है तो केंद्रों को विकास खंड, तहसील, जिला स्तर पर संबद्धीकरण से मुक्त रखने की कार्रवाई जिलाधिकारी के अनुमोदन से की जाएगी। खाद्य विभाग और अन्य छूट प्राप्त संस्थाओं के अलावा समस्त एजेंसियों द्वारा धान क्रय की रसीद मंडी समिति के प्रारूप शिक्षा अथवा ई उपार्जन के संगत प्रारूप पर निर्गत किया जाएगा, परंतु मंडी स्थल के बाहर स्थापित केंद्रों पर ई उपार्जन के संगत प्रारूप पर निर्गत किया जाएगा, जिस पर किसान का नाम, पता, क्रय की गई मात्रा, मूल्य व दिनांक अंकित किया जाएगा तथा संबंधित किसान का हस्ताक्षर अवश्य कराया जाएगा। वो शिक्षा प्रत्येक क्रय केंद्र पर धान का एक मानक नमूना प्रदर्शित किया जाएगा। कृषकों का धान गीला गंदा होने पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे केंद्र पर सुखाकर साफ कराने के पश्चात मानक के अनुरूप आने पर क्रय किया जाएगा। यदि धान की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है तो विलंबतम 48 घंटे में कृषक के सम्मुख गठित समिति निर्णय करेगी। अस्वीकृत किए गए धान का विश्लेषण रिजेक्शन रजिस्टर कर धान विक्रेता का नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, धान की मात्रा तथा अस्वीकृत करने का पर्याप्त कारण अंकित किया जाएगा, जिसे संबंधित किसानों, माननीय जनप्रतिनिधियों एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को मांगने पर दिया जाएगा। क्रय केंद्रों पर कृषकों के धान की खरीद कंप्यूटराइज सत्यापित खतौनी, फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र यथासंभव आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी। खरीद के समय खतौनी, भूमि आदि का विवरण केंद्र को दिया जाना अनिवार्य होगा। प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन का आधार अनुमानित औसत उत्पादन का 120% को आधार बनाया जाएगा। इससे अधिक की मात्र आवश्यकता पाए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा यथोचित निर्णय लिया जाएगा। अगर औसत उत्पादन का 120% से अधिक की कहीं आवश्यकता होती है इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय निर्णय लेंगे। सप्ताह में 2 दिन प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सीमांत कृषकों का धान खरीदा जाएगा।
केंद्र पर क्रय किए गए धान को उचित दहेज पर त्रिपाल आवश्यकता अनुसार पॉलीथीन त्रिपाल से ढककर धान की गुणवत्ता को सुरक्षित रखते हुए संबद्ध चावल मिलों को वरीयता के आधार पर कस्टम मिलिंग हेतु प्रेषित किया जाएगा। बटाईदार और कॉन्ट्रैक्ट फार्मर से भी धान क्रय करने का प्रावधान किया गया है। बटाईदार और कॉन्ट्रैक्ट फार्मर से भी धान क्रय उल्लिखित प्रतिबंधों के अनुसार अनुमन्य है। बटाईदार से अधिकतम 100 क्विंटल धान क्रय किया जाएगा, जिसका मूल्य बटाईदार के बैंक खाते में EFMS के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। भू स्वामी एवं अनुबंध पर लेने वाले व्यक्ति के मध्य पंजीकृत अनुबंध के आधार पर धान क्रय करते हुए कॉन्ट्रैक्ट फार्मर के बैंक खाते में EFMS के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। धान क्रय केंद्रों पर धान क्रय एजेंसी द्वारा धान क्रय संबंधी अभिलेख निर्धारित प्रारूप पर छपवा कर रखे जाएंगे। चूंकि 100% खरीद ई उपार्जन के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी, इसलिए ऑनलाइन टोकन प्रपत्र, निरीक्षण पंजिका, शिकायत पंजिका, धान रिजेक्शन क्रय पंजिका, बोरा रजिस्टर, भुगतान विवरण व स्टाक पंजिका की अद्यावधि प्रिंट आउट निकलवा कर अलग अलग पत्रावली में सुरक्षित रखा जाएगा तथा निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कृषकों की सुविधा की दृष्टि से धान क्रय केंद्र पर निम्नलिखित सूचनाएं बैनर पर प्रदर्शित की जाएंगी तथा क्रय स्थल की दीवार पर प्रमुखता से प्रिंट की जाएगी। धान का समर्थन मूल्य, क्रय संस्था व क्रय केंद्र का नाम, शिकायत पंजीकरण व टोल फ्री नंबर, क्रय केंद्र प्रभारी का नाम व मोबाइल नंबर, क्रय एजेंसी के जनपद स्तरीय अधिकारी का नाम व मोबाइल नंबर, जिला खाद्य विपणन अधिकारी का नाम व मोबाइल नंबर, उप जिला अधिकारी का नाम व मोबाइल नंबर, गुणवत्ता के मानक, क्रय केंद्र खुलने का समय 9:00 से 5:00 तक, प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन। इसका बैनर पर भी ये सारे डिटेल रहेंगे और जो क्रय केंद्र का दीवार होगा उस पर वॉल पेंटिंग भी रहेगी।